ट्रांसफार्मर में पढ़ा कि एक होती है हमारे पास प्राइमरी साइड और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी साइड। तो मैंने पहले लेक्चर में, इंडक्शन मशीन के पहले लेक्चर में आपको बता दिया था कि इंडक्शन मशीन जो है वो ट्रांसफार्मर के जैसी ही है, मतलब जो इसका सर्किट है वो ट्रांसफार्मर के जैसे ही काम करेगा। तो आप प्राइमरी के अकॉर्डिंग तो आप स्टेटर को रख सकते हो और सेकेंडरी के अकॉर्डिंग आप रोटर को रख सकते हो, मतलब जो प्राइमरी का सर्किट ट्रांसफार्मर के अंदर होता है वैसा ही सर्किट आप यहाँ पर स्टेटर का बना दोगे और जो सेकेंडरी का सर्किट ट्रांसफार्मर में होता है वैसा आप यहाँ पर रोटर का सर्किट बना दोगे। बस प्रॉब्लम यहाँ पर जो फ़र्क है वो क्या है कि वहाँ पर आपके पास यहाँ पर कॉइल्स थी, उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस हो रहा था, यहाँ पर आपके पास एयर गैप है। ठीक है, इतनी सी यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर आप इंसुलेट कर सकते थे उसको, ऑयल वगैरह डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप ऑयल वगैरह नहीं डाल सकते हो। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस हैं यहाँ पर। वहाँ पर वो स्टेशनरी मॉडल था, लेकिन यहाँ पर आपका रोटेटरी मॉडल है, यहाँ पर आपका रोटर घूमता है लेकिन स्टेटर आपका स्टेशनरी रहता है। तो प्राइमरी को आपने स्टेटर बना दिया, सेकेंडरी को आपने रोटर बना दिया। अब देखिए ये सर्किट तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, स्टेटर का कुछ इस तरीका का सर्किट आपने अभी बनाया था, उसी तरीके से रोटर का भी आप इस तरीके से सर्किट बना लीजिए। तो एक हो गया स्टेटर का और एक हो गया रोटर का। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई, ये ट्रांसफार्मर में मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्टेटर का सर्किट इस तरीके से शो कीजिए और रोटर का इस तरीके से शो कीजिए और आप मार्क्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि यार पीजी निकाल के बताइए मुझे, या फिर मेरे को पूरा जेड टोटल बताइए इन दोनों का मिक्स करके, तो आप कैसे बताओगे? तो आपको क्या करना है कि इन दोनों सर्किट को मिलाना होगा। कई सारी क्वांटिटीज़ जो हैं, जैसे मान लीजिए जो पीजी है, जो इसका इसकी इनपुट पावर है, जो रोटर के लिए इनपुट पावर आई वो कहाँ से आई? वो स्टेटर की आउटपुट पावर जो यहाँ से गई वही तो इसकी इनपुट बनेगी। जो सर्किट में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि ये रोटर है, ये स्टेटर है, तो इसको आपने सप्लाई दी स्टेटर की वाइंडिंग को, लेकिन आपने रोटर को कोई डायरेक्ट सप्लाई नहीं दिया है, तो सप्लाई कहाँ से आएगी इसके पास? जो स्टेटर का आउटपुट होगा, जो एयर गैप पावर होगी, वही तो इसके लिए सप्लाई बनेगी। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इन दोनों सर्किट को मिलाने का कारण भी यही है कि आपको कई सारी कैलकुलेशंस करने में ये काम में आते हैं। वो अभी आपको धीरे धीरे पता लगेगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डेरिवेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मेन मोटिव मेरा यह है कि सर्किट को हम मिलाएंगे तो क्यों मिलाएंगे। ठीक है, अब सर्किट को मिलाएंगे तो भैया कैसे, चलिए सर्किट बना लेते हैं, आप भी साथ में इसको माइंड में ध्यान में रखिए कि किस तरीके का सर्किट था एक्चुअली में स्टेटर का, तो आपको बाद में अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये आपका हो जाएगा R1, याद है, ये हो जाएगा X1। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या आएगा बोलो, आप मन में बोलते रहिए ताकि आपको पता रहेगा कि आपने पिछले वीडियोस देखे हैं या नहीं देखे, और देखे हैं तो आपको कितना याद है। यहाँ पर आई नोट, नो लोड करंट। आई नोट के दो पार्ट होते हैं, इंडक्टर वाला पार्ट जो होगा वो कौन सा पार्ट होगा? आई म्यू। जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट होगा कौन सा पार्ट होगा? आई डब्ल्यू, वर्किंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, आर नॉट, एक्स नॉट। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं पुट करना चाहूँ तो इनपुट करंट को आई वन लिख देता हूँ और यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है उसको मैं वी वन लिख देता हूँ। ये स्टेटर सर्किट बन गया आपका, ऐसा ही था स्टेटर सर्किट कुछ। चलिए यहाँ पर अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ पर आप ई वन भी शो कर सकते हो, ई एम एफ। अब चलिए रोटर सर्किट को हमने जब रेफ़र कर ही लिया है तो उसको भी हम बना लेते हैं। तो ये रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया, ये रोटर सर्किट का इंडक्टेंस हो गया, मतलब आपका रिएक्टेंस हो गया। उसके बाद जस्ट पिछले वीडियो में ये चीज़ हमने डिस्कस करी है, तो इसको भी थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं जो लोग अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर इंडक्टर यहाँ लगेगा और रेजिस्टेंस अगर यहाँ लगे, मतलब इन दोनों को यहाँ लगा दीजिए, मान लिया आपने इंडक्टर यहाँ लगाया, रेजिस्टेंस यहाँ लगाया, जिस तरीके से ये वाला सर्किट है उसी तरीके से हमारा ये वाला सर्किट भी होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं हम करंट की, जब रोटर सर्किट अलग से बनाते हैं और करंट की इक्वेशन लिखते हैं, तो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके की आती है। ई को हम एस ई नॉट लिखते हैं और जेड को हम आर और एक्स का मिक्सचर लिखते हैं, मतलब आर प्लस जे एक्स, इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पर।
तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इस तरीके की इक्वेशन हमारे पास निकल करके आती है कि वहाँ पर इंडक्टर तो होता है वेरिएबल, मतलब ये क्वांटिटी हमारे पास एस एक्स नॉट की जैसे वेरिएबल होती है और आर हमारे पास होता है कांस्टेंट। लेकिन हमको क्या करना है कि इसको हमको वेरिएबल नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम इसको वेरिएबल रखेंगे तो हमारे पास ईएमएफ भी वेरिएबल होगा, लेकिन हमको उसको कांस्टेंट बनाने के लिए एस से डिवाइड कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन बनती है उसके अंदर हमारे पास आर तो हो जाता है वेरिएबल और ये बन जाता है कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इसको अभी यहाँ से हटा दें तो आर हमारे पास वेरिएबल है और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट क्वांटिटी बना देते हैं और जो आर है वो हमारे पास वेरिएबल बन जाता है। क्या बन के आता है वो आर टू बाई एस, यही तो बन के आता है। अब इस आर टू बाई एस के जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने दो पार्ट करे थे, एक तो हमने कर दिया था आर टू और दूसरा कर दिया था हमने आर टू वन माइनस एस अपॉन एस। ऐसा क्यों कर दिया था? क्योंकि ये हमारे पास रोटर कॉपर लॉसेस को दिखा रहा था और ये हमारे पास मैकेनिकल लोड रेजिस्टर को इन्फॉर्म कर रहा था। ये हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एस जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारे पास ये वेरिएबल क्वांटिटी होती है और ये हमारे पास कैलकुलेशन में बहुत सारी हेल्प करती है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली आर टू बाई एस ही निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप आर टू बाई एस भी लिख सकते हो, तो आपको ये हटाना होगा और अगर आप इसको इन्वॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर आपको आर टू डैश लिखना होगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा आर टू डैश वन माइनस एस अपॉन एस। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने अभी आपको समझाई। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, पूरा पूरा सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता रखी है, अभी भी नहीं समझ में आया तो आप इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब भैया जो सेकेंडरी करंट है वो हमारे पास हमको पता है कितना है, आई टू डैश है, यहाँ पर भी आई टू डैश हो जाएगा। और कुछ रह गया इसके अंदर? और कुछ नहीं रहा है। यहाँ पर आप E2 टू डैश भी आप शो कर सकते हो। इन सब की वैल्यूज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी है जस्ट पहले, देखिए यहाँ पर आपको ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी है कि कौन सी वैल्यू किस तरीके से वेरी हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बताता हूँ। देखिए ट्रांसफार्मर में हमने देखा था कि जो नो लोड करंट होता है ये वैल्यू होती है 2 से 5% बस, लेकिन जो इंडक्शन मशीन होती है उसके अंदर इसकी वैल्यू बढ़ करके 25 से 30% या 40% तक भी पहुँच जाती है। लेकिन हम फिर भी इस सर्किट को अगर हम उठा करके यहाँ पर रख दें, इस सर्किट को इस जगह रख दें, तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ में प्रैक्टिकली जब हमने चेक करा तो इसकी वैल्यूज़ में कोई ज़्यादा चेंज आता नहीं है। तो इस सर्किट को उठा करके हम इसलिए इधर रख देते हैं ताकि हम इस सर्किट को और इस सर्किट को आराम से सॉल्व कर सकें और कुछ वैल्यूज़ को पता लगा सकें। तो ये सर्किट मॉडिफाई करके मैंने आपके लिए इस तरीके का बना दिया। इस सर्किट को आप देख सकते हो एज इट इज सर्किट है पहले वाला, बस ये वाली चीज़ को छुपा दो और यहाँ पर अगर आप लगा दोगे तो वही सर्किट बन जाएगा। इस चीज़ को मैंने यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दिया और कोई चेंज नहीं है सर्किट के अंदर, और इसको मैंने नाम दे दिया अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। किसको? क्योंकि अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट है, यहाँ पर इसको मैंने लगा दिया इसलिए कुछ अप्रॉक्सीमेशंस मैंने यहाँ पर कर दिए, तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट आपका बन गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सर्किट हमने बना लिया। अब आप फिर पूछेंगे कि यार ये सर्किट ऐसा क्यों बनाया हमने, इसका क्या मोटो हमारे पास रहा? तो इसका मोटो ये है कि आपको मैंने पहले बताया कि कई चीज़ें आपको सॉल्व करनी होती है। देखिए वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सॉल्व करने को मिल सकता है। इस सर्किट से आप टोटल इम्पीडेंस निकाल सकते हो, इस सर्किट से आप टोटल कोर लॉसेज निकाल सकते हो, एयर गैप पावर आराम से निकाल सकते हो और डेवलप टॉर्क निकाल सकते हो, और भी कई सारी क्वान्टिटीज़ आप यहाँ पर निकाल सकते हो। कई सारी क्वांटिटीज़ मतलब सारी क्वांटिटीज़ आप यहाँ पर निकाल सकते हो। आप E1, E2, IMU, IW, I0, X0, R0, I1, I2 डैश हर कुछ यहाँ पर आप निकाल सकते हो, इसलिए ये सर्किट बहुत काम का सर्किट है। तो इस सर्किट को सॉल्व करके कुछ क्वांटिटीज़ को निकाल लेते हैं ताकि हम ये अभी जो मैंने आपको बताया इनको हम सॉल्व कर सकें, एयर गैप पावर निकाल सकें, डेवलप टॉर्क निकाल सकें, टोटल इम्पीडेंस वगैरह निकाल सकें। तो चलिए इस सर्किट को आप अच्छे से माइंड में फिक्स कर लीजिए। ये सर्किट इंडक्शन मशीन का बेसिक सर्किट है, बहुत काम आता है और बहुत बार पूछा भी जाता है। चलिए तो सबसे पहले अगर हम इस सर्किट की बात कर लें तो मैंने आपको बता रखा है कि ये आपका हो जाएगा Z2 डैश, ये आपका हो जाएगा Z1। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो मेरे पास निकल करके आएगा Z टोटल। तो इतनी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर Z टोटल लिखूँ तो मैं यहाँ पर Z1 प्लस Z2 डैश लिख सकता हूँ, ठीक है। Z1 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, R1 प्लस JX1 लिख सकते हो,
जेड टू डैश की वैल्यू क्या लिखोगे, आर टू डैश प्लस आर टू डैश नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये देखिए ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों मिलकर के जेड टू डैश बने हैं, तो आप ये वाला रेजिस्टेंस अकेला नहीं लिख सकते, आपको इसको भी इंक्लूड करना होगा। जब आप इसको इंक्लूड कर लेंगे तो ये टोटल वैल्यू जो है वो आर टू डैश अपॉन एस बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिखा आर टू डैश अपॉन एस प्लस जे एक्स टू डैश, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों मिला करके जेड टोटल बन गया मेरे। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद जो क्वांटिटी है वो आप और भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो जब आप इसको रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लेंगे। तो रियल को हम लिखते हैं आर वन प्लस आर टू डैश अपॉन एस, उसी तरीके से जे एक्स वन प्लस एक्स टू डैश, ठीक है। इमेजिनरी क्वांटिटी क्यों है समझ में आ रहा होगा, वही बात मैं आपको कहूँगा कि पुराने वीडियोस को देखिए, आपको सब कुछ बहुत ही डिटेल में समझ में आ जाएगा। जो इंडक्टेंस यहाँ पर है, जो रिएक्टेंस यहाँ पर हमने यूज़ करा है, ये इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, एग्जिस्ट नहीं करता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हमारा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और चीज़ों को आसान बनाने के लिए, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। यही बात मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर में बताई थी, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जे यूज़ करा है, ये इमेजिनरी क्वांटिटीज़ को शो करने के लिए काम में आता है, जस्ट लाइक आयोटा। आप यहाँ पर आयोटा भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि आयोटा और जे किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो मैं, हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये जे यहाँ पर कैसे आया, तो अब शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश हम करते रहेंगे, ठीक है। तो जेड टोटल जब हमने निकाला तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके का निकल करके आ गया। अब मैं अगर बात करूं तो और क्या निकाल सकता हूं, मैं इस डायग्राम को देख करके मैं आई टू डैश की बात कर लेता हूं। आई टू डैश बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इसको वी वन अपॉन जेड टोटल लिख सकते हो। तो आई टू डैश की अगर हम बात कर लें, आप ई वन अपॉन जेड टू डैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपन वी वन से लिख देते, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज़ में चेंज आया गया नहीं ज़्यादा, क्योंकि आई नॉट यहाँ पर फ़र्क डाल नहीं रहा है, ठीक है। तो वी वन अपॉन, अगर मैं जेड टोटल यहाँ पर लिख दूँ तो जेड टोटल की वैल्यू ही लिख देता हूँ मैं, तो आर वन प्लस आर टू डैश अपॉन एस प्लस जे एक्स वन प्लस एक्स टू डैश, ये आपके पास आई टू डैश निकल करके आ गया। तो हमने जेड टी इस सर्किट से निकाल लिया और आई टू डैश यहाँ से निकाल लिया। चलिए एक दो क्वांटिटीज़ और निकालने की कोशिश करते हैं। आप सारी क्वांटिटीज़ यहाँ से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आई नॉट की बात कर लेता हूँ। तो आई नॉट तो आपको पता है कि आई डब्ल्यू और आई म्यू से बन करके बना होता है, लेकिन फिर भी आप अगर बात करना चाहें तो आई नॉट बराबर आई डब्ल्यू प्लस आई म्यू कर सकते हो। आई डब्ल्यू जो आपका है वो क्या है, वी वन अपॉन आर नॉट नहीं है, यही तो होगा, वी वन अपॉन आर नॉट आई डब्ल्यू हो गया। और आई म्यू जो है वो क्या है, वी वन अपॉन एक्स नॉट हो जाएगा, बस। एक्स नॉट इमेजिनरी क्वांटिटी, इसलिए हमने जे यूज़ कर लिया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, तो जब आप जे नीचे रहता है, नीचे कभी भी जे नहीं रहता है, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, जे से इंटू करेंगे और जे से यहाँ भी इंटू करेंगे, तो जे स्क्वायर क्या होता है आपका, -1 होता है, और जे एज इट इज़ यहाँ पर रह जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, वी वन आपने कॉमन ले लिया, तो वन अपॉन आर नॉट प्लस माइनस जे अपॉन एक्स नॉट, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपके आई नॉट की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर ली मैंने। उसके बाद अगर मैं आई वन की बात कर लूँ, तो आई वन यहाँ पर आप के सी एल के थ्रू इस पॉइंट पर अगर के सी एल लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि एक तो मेरे पास आई टू डैश यहाँ पर गया और एक आई नॉट यहाँ पर आया। तो आई वन बराबर आई नॉट प्लस आई टू डैश लिख सकता हूँ। अब आई नॉट की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली है, आई टू डैश की आपको वैल्यू का पता है, उन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप खुद भी पुट कर सकते हो। इसके बाद मैं आपसे और डिटेल में जाता हूँ। तो अगर मैं अब यहाँ पर आपसे बात करूँ कि आपका पी जी कैसे निकलेगा, पी आई एस कैसे निकलेगा, पी आई एस का मतलब होता है इनपुट टू स्टेटर, और पी एच प्लस ई मतलब जो आपके कोर लॉसेज हैं वो आपके कैसे निकलेंगे। तो अगर आप सबसे पहले बात कर लें कोर लॉसेज की, तो जो कोर लॉसेज है वो हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉसेज से बने होते हैं। ये दोनों लॉसेज का वीडियो भी हम बना देंगे, तो आपको डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी समझा रखा है हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस क्या होता है। नहीं समझ में आता आप पूछ सकते हैं, फिर से हम
बताएंगे। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो हम यहाँ पर थ्री यूज़ कर लेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो यहाँ पर वन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। V1 इसलिए यूज़ करा है क्योंकि मैं कोर लॉसेस की बात कर रहा हूँ। आप स्टेटर के कोर लॉसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर V1 यूज़ कर लीजिए। रोटर कोर लॉसेस की बात करेंगे तो भी आप V1 ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जो इनपुट सप्लाई है वो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर नो लोड करंट की बात कर लेता हूँ। नो लोड करंट यूज़ में ले रहा हूँ क्योंकि कोर लॉसेस से हम नो लोड को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया कॉस फाई नॉट। उसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए सब बहुत सी सिंपल कैलकुलेशंस है। ये आप तब यूज़ करते हो जब आपको सर्किट अच्छे से समझ में आ जाता है। अब जैसे आपने मान लीजिए स्टेटर के, अब मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ तो आप किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ इनका कोई सेंस नहीं है, ये आपके लिए वैसे आपको रटनी नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि आप ये सर्किट बना दीजिए, आपको ऐसा सर्किट दे करके कुछ और पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए मैंने दो चीज़ें बता दी लेकिन वो कुछ और ही पूछ लेगा आपको। तो अगर आपके सर्किट माइंड में है, आपको बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। वही हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको मान लीजिए पूछ लिया कि यार स्टेटर के इनपुट पावर का फॉर्मूला मुझे बताइए, तो आप किस तरीके से बताएंगे? आपको पता है कि स्टेटर के अंदर जो करंट आ रहा है वो कितना आएगा, I1 आएगा, वोल्टेज आ रहा है वो V1 आएगा। पावर क्या होती है? वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। और अगर कॉस फाई वहाँ पर 1 नहीं है तो हम यहाँ पर कॉस फाई 1 भी यूज़ कर लेंगे। स्टेटर की बात करेंगे तो यहाँ पर फाई 1 यूज़ कर लेंगे और रोटर की बात करेंगे तो फाई 2 यूज़ कर लेंगे। दोनों का कुछ पावर फैक्टर होगा ही होगा, स्टेटर का और रोटर का। तो यहाँ पर अगर बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए, थ्री यूज़ कर लिया, V1 यूज़ कर लिया, I1 यूज़ कर लिया और cos फाई 1 यूज़ कर लिया, कहाँ दिक्कत है इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम आपको है भी तो इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो आप। एक फार्मूला तो आपके पास ये बन गया, दूसरा फार्मूला आप जानते ही होंगे कि क्या होता है। आपके पास होता है I2R का फार्मूला होता है, तो आप यहाँ पर I2R का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। और आपके पास एक फार्मूला और होता है V2R का फार्मूला होता है। तो उसी तरीके की क्वांटिटीज़ को मैन्युपुलेट करके आप यहाँ पर यूज़ में ले सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपको ये फार्मूला बनाने के लिए इस फार्मूले से जाना होता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, V1 की जगह I1 इंटू जेड लिख देंगे और यहाँ पर कॉस फाई की जगह R/Z लिख देंगे। I1 पहले से है तो जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये I2R बन जाएगा। इस तरीके की क्वांटिटीज़ को मैन्युपुलेट करके आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट बात हम कर लेते हैं टॉर्क डेवलप की। तो आप टॉर्क डेवलप का अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या होता है, PG/ωs। अल्टीमेटली जो PG है, जो गैप पावर है, वो क्या होती है, ωs × torque develop, यही होती है। इसका मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास जो पावर है वो लीनियर मोशन में V × F होती है, force × velocity होती है। उसी तरीके से फोर्स का काम करता है टॉर्क और वेलोसिटी का काम करता है ωs। तो उसी तरीके से गैप पावर बनती है, ये गैप पावर आपके पास रोटर की इनपुट पावर बन जाती है। अब गैप पावर का फॉर्मूला पहले आपको डेवलप करना होगा कि भैया गैप पावर क्या होती है। तो गैप पावर देखिए, मैंने आपको बताया कि रोटर में इनपुट, इस रोटर में इनपुट का काम कर रही है गैप पावर। तो वोल्टेज तो बाहर वाली का यूज़ में लेंगे V1, लेकिन करंट किसका यूज़ में लेंगे, जो इसका जो करंट है। तो V1 हमने यूज़ ले लिया, I2 हमने यूज़ में ले लिया, और पावर फैक्टर किसका यूज़ में लेंगे, रोटर का पावर फैक्टर यूज़ में ले लेंगे, तो cos फाई 2 यूज़ में ले लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन चुका है आपका। अब अगर आपको थ्री फेज की बात करनी है तो थ्री यूज़ कर लीजिए। पर फेज बात करना है तो आप ये थ्री से हटा भी सकते हो, इस थ्री को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थ्री फेज की बात कर रहे हैं तो थ्री को यूज़ में ले लेते हैं। उसी तरीके से आगे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप वैल्यूज़ को मैन्युपुलेट करके जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं, वो आप बना सकते हो यहाँ पर। तो चलिए थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। अगर हम I2R से इस फॉर्मूले को डेवलप करना चाहें तो R2 by S इसलिए यूज़ करा है क्योंकि जो सेकेंडरी सर्किट है, जो रोटर का सर्किट है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ R2 by S मुझे यूज़ में लेना है। इस सर्किट को अगर मैं एक ही बनाऊं तो ये R2 by S बन जाएगा। R2 by S मैंने यहाँ पर बना दिया। अब मैं अगर इसको V1² / R की तरह भी यूज़ में लेना चाहूँ तो वैसे भी यूज़ में मैं इसको ले सकता हूँ। वहाँ पर मेरे पास Z की क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, Z². चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं PG के लिए। PG जो है गैप पावर है, 3 V1 I2 cos
cos φ2। ठीक है, अब आपने जो ये फॉर्मूले में जो आपने देखा, तो इसके अंदर आपने I2' की वैल्यू तो पहले से निकाल रखी है। याद होगा आपको, अगर मैं शुरू से बात करूँ तो ZT पहले मैंने निकाला था, उसके बाद मैंने सीधे I2' निकाला, तो मेरे पास पूरी वैल्यू है V1 अपॉन ZT। तो मैं यहाँ पर यूज़ में ले सकता हूँ 3 V1, एक पहले से है, दूसरा V1 अपॉन ZT, और ये जो होता है ये मेरे पास R/Z होता है। तो R की जगह मैं यहाँ पर R2' अपॉन S यूज़ में ले लेता हूँ, और ZT की जगह ZT यूज़ में ले लेता हूँ। तो 3 V1 स्क्वायर अपॉन ZT स्क्वायर इंटू R2' अपॉन S, ये फॉर्मूला आपके पास बन गया। आप V1 ZT स्क्वायर की आप वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके का आपको नज़र आने लगेगा। ZT की हमने वैल्यू यहाँ से निकाली, ये वाली वैल्यू है। जब मैं इसको अगर स्क्वायर कर दूँ, बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पर रूट बन करके आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, और J मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसका भी होल स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा ZT का होल स्क्वायर है, तो मेरे पास ये रूट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और सीधी सीधी ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो क्या वैल्यू पुट करूँगा, R1 प्लस R2 डैश अपॉन S होल स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपने जब पुट कर दी तो आपके पास एक फॉर्मूला डेवलप हो गया, किसका, PG का। अब जब आप टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो इधर हम टॉर्क की बात कर लेते हैं, डेवलप टॉर्क की, तो वो होता है PG अपॉन ओमेगा S। तो जब आप PG की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, और ओमेगा PG की वैल्यू एज इट इज़ रख दीजिए, और ओमेगा एस नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने PG की वैल्यू यहाँ पर रख दी, और ओमेगा एस से अगर आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका टॉर्क डेवलप का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर आपने पहले एक बार पहले भी टॉर्क डेवलप का फॉर्मूला बताया था, तो वो उससे कैसे मैच करेगा। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसको मैच करके देखिए, ज़रूर ये मैच होगा, एग्जैक्टली आपके पास मैच होगा। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि ये 3 कहाँ से आया, तो वहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट K माना था, उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमने आपको बताई थी, तो उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप देखिए, और वहाँ पर जब आप इन दोनों को मिलाने कोशिश करेंगे, तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू आपको मिल जाएगी।